हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो किड्स स्पेशल है। विंटर में किड्स का स्पेशल दिखना तो बनता है। चलिए तो मैं कुछ ऐसे ड्रेसेस आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ जिससे आपके किड्स भी विंटर में भी स्टाइलिश दिख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज चारू एंड आई एम वाइफ ऑफ अमेजिंग हस्बैंड, मदर ऑफ टू स्वीट चिल्ड्रन। आई एम पार्ट टाइम क्रिएटिव होम मेकर एंड फुल टाइम फैशन स्टूडेंट। शाइन लाइफ विद चारू में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर आप सभी के साथ में मेंस फैशन ट्रेंड, गर्ल्स फैशन ट्रेंड एंड किड्स फैशन ट्रेंड से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें जो क्रिएटिव होम मेकिंग करती हूँ वो भी आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंटर स्पेशल ड्रेसेस देखिए। फर्स्ट, ये ड्रेस आप देख रहे हैं, ये स्कर्ट एंड टॉप है। देखिए ऊपर का जो आप देखेंगे वह जो फैब्रिक है वह वॉर्म फैब्रिक है। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है, सर्दी में फर्स्ट चॉइस जो करेंगे आप वॉर्म ड्रेसेस ही उनके लिए सेलेक्ट करें, और सॉफ्ट भी वो होनी चाहिए। ठीक है, आप इस अकॉर्डिंग के ऑनलाइन स्कर्ट टॉप भी परचेज कर सकते हैं। इसका जो फैब्रिक आता है वो इतना सॉफ्ट होता है, कई टॉम एंड जेरी और भी कई अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके फैब्रिक्स आप अपने बच्चों को पहना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्कर्ट टॉप के अंदर यदि आप ऑनलाइन देखेंगे तो कई वेरिएशन अवेलेबल है, और आजकल स्टोर वगैरह में भी अवेलेबल होते हैं, और ये क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं। और बच्चों को जब हम ऐसी वाले ड्रेसेस पहनाते हैं तो वो काफ़ी उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट से दिखाई देते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसे वॉर्म फैब्रिक भी परचेज करिए, वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। और स्कर्ट टॉप के आप डिज़ाइंस देखिए, इसमें कई वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, और पार्टी वेयर भी यदि आप चाहेंगे तो उसमें भी आप ऐसे पहना सकते हैं। क्योंकि कई बार हम वेडिंग में भी जाते हैं या फिर किसी की बर्थडे पार्टी में भी अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो कई बार क्या होता है हम फ्रॉक वगैरह पहनाते हैं इनर के साथ में, उससे ज़्यादा ऐसे ड्रेसेस यदि हम उनको पहनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी, उनको कंफर्ट भी रहेगी और ज़्यादा उनको हैवी लुक भी नहीं देंगी। ठीक है, देखिए इसके अंदर आप नीचे स्कर्ट देखेंगे वह भी काफ़ी अच्छी फ्रिल वाली स्कर्ट है, ऊपर टॉप भी वॉर्म वाला है, तो सर्दियों के लिए बेस्ट ड्रेस है। और नेक्स्ट देखिए, आप इस अकॉर्डिंग के टी शर्ट्स स्कर्ट्स भी कैरी कर सकते हैं। ये वॉर्म तो होते हैं स्कर्ट, हालांकि आप जब पहना है तो उनके साथ में उनको लेगीज वगैरह कैरी करवा सकते हैं। और उनके लिए जब कलर का आप कॉम्बिनेशन लें कि आप कैसे कलर कॉम्बिनेशन उनके लिए परचेज करें, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अधिकतर हम लोग क्या उनके लिए डार्क शेड पसंद करते हैं, उसकी जगह आपको थोड़ा सा लाइटर शेड पसंद करने चाहिए बच्चों के लिए, जो उनकी आंखों के लिए भी बेस्ट रहेंगे, और यदि वह मैले भी होते हैं तो भी आपको पता पड़ जाएगा और उन पर लगते भी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। नेक्स्ट देखिए, आप इस अकॉर्डिंग की ड्रेस भी कैरी करवा सकते हैं अपने बच्चों को। इसमें आप देखेंगे वॉर्म टी शर्ट तो है, पर नीचे की तरफ आप देखिए इसमें लेगी अटैच है और उसके साथ में स्टॉकिंग्स भी है, तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को पहनाने में, क्योंकि इसमें क्या पूरा ही ड्रेस जो है वो वॉर्म फैब्रिक है और एकदम सेट है अटैच। नेक्स्ट देखिए, आप इस अकॉर्डिंग की डंगरी भी बच्चों को कैरी करवा सकते हैं, और जो डंगरी होती है उसका जो फैब्रिक होता है आप जानते हैं वह जीन्स वाला फैब्रिक होता है, आपने भी वो पहनी है जीन्स, तो आप भी जानते हैं जीन्स का जो फैब्रिक होता है वह काफ़ी गर्म फैब्रिक होता है, मतलब पहनने के बाद वो थिक फैब्रिक होने के कारण वो उसमें बच्चों को ठंड नहीं लगती है। तो इस अकॉर्डिंग की डगरीज भी आप कैरी करा सकते हैं, उसके साथ में ऐसे टी शर्ट्स भी कैरी करा सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और कलर भी आप इसमें देखिए, ब्लू शेड के अंदर है, पिंक का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो काफ़ी यूनिक लग रहा है। इसमें आप देखेंगे तो देखिए नीचे की तरफ गैदर्स हैं, स्लीव्स में टॉपर पर भी गैदर हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा बल्की लुक लगता है बच्चों में, तो ये काफ़ी अच्छी ड्रेस लगती है। नेक्स्ट देखिए, आप इस अकॉर्डिंग के टी शर्ट्स और डंगरी कैरी करवा सकते हैं। इसमें आप देखिए स्लीव्स में और नीचे की तरफ आप डंगरी देखेंगे तो उसमें क्या है, इसमें गैदर्स नहीं है, विदाउट है, पर इसकी जो स्लीव्स अटैच जहाँ से की गई है उसमें थोड़ी सी फ्रिल अटैच की गई है, और इसमें हल्का सा एक जो टैडी बना हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए इसका जो कलर कॉम्बिनेशन आपने देखा सेम है और काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों में, ऐसे लाइट शेड काफ़ी यूनिक एंड स्टाइलिश लगते हैं और बच्चे काफ़ी क्यूट भी लगते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, कलर कॉम्बिनेशन तो इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगे, पैटर्न भी काफ़ी मिल जाएंगे, और आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको काफ़ी चेक्स और भी कई प्रिंटेड में भी और भी कई वेरिएशन में अवेलेबल होंगे। देखिए ये फ्रॉक है, यदि आप अपने बच्चों को स्कर्ट टॉप डंगी नहीं पहनाना चाहते, कुछ और वेरिएशन चाहते, तो ऐसी आप वॉर्म फ्रॉक भी परचेज कर सकते हैं। इसका भी आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मल्टी शेड में आ रहा है, और मेन बेस जो है वह ब्लू शेड में है, उसके ऊपर ये जो बटरफ्लाई लगी है वह भी काफ़ी अच्छी एंड यूनिक लगती है। ऐसी कई वन पीस ड्रेस एंड फ्रॉक्स भी
अवेलेबल है, आप ऐसे भी अपने बच्चों को पहना सकते हैं। नेक्स्ट, आप इस अकॉर्डिंग की 2-पीस ड्रेस भी अपने बच्चों को पहना सकते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छी लगती है और जो ये ड्रेसेस होती है काफी वार्म लगती है, इसलिए स्कर्ट टॉप, डंगरी, फ्रॉक्स, उसके अलावा ये 2-पीस ड्रेसेस, ये सभी बच्चों पे अच्छी लगती है। और आप ऑनलाइन देखेंगे तो पिंक करके और भी बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जिन पर बहुत ही अच्छे यूनिक डिजाइंस हैं जो आपको इसी वे में अवेलेबल हो जाएंगे। अपने बच्चों के लिए वार्म ड्रेसेस परचेस नहीं करना चाहते तो आप इस अकॉर्डिंग के जैकेट भी परचेस कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन पिंक ब्लू करके जो वेबसाइट है आप उस पे से यदि सर्च करेंगे तो वो इंडिया का ही ब्रांड है, उसमें आप देखिए कई आपके पास डिजाइंस उनके पास अवेलेबल है। और देखिए आप सिंपल जैकेट भी कैरी कर सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर उसकी जगह आप देखिए फ्रॉक स्टाइल में भी आप ये देख सकते हैं, ऐसे भी आप कैरी कर सकते हैं, ये भी बच्चों पर काफी अच्छे लगते हैं। इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, डार्कर शेड यदि आपको चाहिए तो आप डार्कर शेड भी परचेज कर सकते हैं, और यदि लाइटर शेड चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो आप ऐसे यदि अपने बच्चों को पहनाएंगे तो आपके बच्चे काफी अच्छे क्यूट और स्टाइलिश लगेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।